ये देखें नाजरी, छोटा सा इन्वर्टर है लेकिन बहुत काम का इन्वर्टर है। जी, लो बजट में अच्छी चीज है। दानिश भाई, ये जो स्पेसिफिकेशन है ये ऐसी जी स्पेसिफिकेशन है कि ये सबसे लोएस्ट तबके के जो लोग होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो छोटे से छोटे घर के बेचारे लोग हैं, जो बिल्कुल ऐसे बिजली ही के है। बिलों से तंग हैं, उनके लिए एक ऐसी बेस्ट चीज है। और सबसे ज्यादा बेस्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, बजट फ्रेंडली तो है और साथ साथ 1 ईयर वारंटी भी है। 1 ईयर वारंटी भी है, बताओ जी। यार। इन्वर्टर है जी ना, देखें ये जी इलेक्ट्रिक आउटपुट ये रहा, जी जी आप जी यहाँ से इसके आउटपुट लेंगे, बैटरी देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सोलर चार्जर भी है, आपकी बैटरी चार्ज भी अच्छा कर रहा है और आपका 220 में आउटपुट भी दे रहा है। आउटपुट भी आउटपुट दे में रहा आपके है, पास लाइट बिल्कुल पंखे, छोटा लोड ही चलेगा। अगर टीवी है तो छोटा टीवी, एलईडी टीवी, आजकल स्मार्ट टीवी हो गया, ये सब छोटा लोड, मतलब 800-1000 वॉट के बीच का जो लोड है वो इजीली चला देगा, इससे ऊपर ना जाए। हमारी शॉप पे जो कोई भी आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। हमारे क्या पास बात हर है, वैरायटी अवेलेबल है, सोलिस पड़ा हुआ है हमारे पास, क्राउन में है, इनवरक्स में है, वेरॉन में है, यूकॉन में है, माशाल्लाह। क्रोवाट सोलेक्स है, चेरी के इन्वर्टर है, क्राउन के छोटे इन्वर्टर, बड़े इन्वर्टर, बैटरीज भी है है, आपके पास? ग्रोवर्ड ऑन ग्रिड है, सोलिस ऑन ग्रिड है, बैटरीज है, पैनल्स है, हर एक चीज अवेलेबल है। मतलब कम बजट से लेके मैक्स बजट तक की जो चीजें हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। में बजट के अंदर ऐसी, मतलब चेरी ने अच्छी चीज निकाली है कि हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। वैसे यार बिल्ड क्वालिटी इसकी बिल्ड बहुत अच्छी है। क्वालिटी तो माशाल्लाह हमारी से जो बहुत ओपल सीरीज जबरदस्त हमने है। दिखाई वो बजट फ्रेंडली है, तो ये उससे ऊपर थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज इस पे नहीं हुआ हुआ। फॉर ठीक एग्जाम्पल चेरी ने आपको तीनों ऑप्शन दिए, सस्ता, अच्छा और सबसे अच्छा, फिर वो हमारा फॉक्स सीरीज है और एक वाला रिनो सीरीज है, वो ठीक बड़े कैटेगरीज को टक्कर मारने के लिए। ठीक है, ये आ गया हमारा PV 2500 वाला, मतलब टीवी जो हम इसको 2500 वाला 1.5 जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक वो इसकी LCD है, MKS मॉडल है, सबसे मशहूर जो आपको पता है MKS VM सीरीज के वोल्ट्रॉनिक्स ब्रेड का मदरबोर्ड जो है वोल्ट्रॉनिक्स मोड का है। इनपुट हो गया, ये इसका ब्रेकर हो गया, ये इसके फैन है दो लगे हुए एग्जॉस्ट के, ये बैटरी इनपुट आउटपुट है, मतलब वो प्लस माइनस हमारा ठीक ये PV इनपुट आ गई। जी। दानिश भाई, मार्केट की सूरत हाल ये है कि अभी काफ़ी हद तक डाउन हो गई है और अभी हो चुकी है इस वक्त अच्छा जो मार्केट चल रही है। और ये है कि मैं यही बोलूंगा कस्टमर्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आइडियल टाइम है, जिस हिसाब से भी मार्केट चल रही है बहुत अच्छा मौका ये लोग पैनल और इन्वर्टर परचेज करने का टाइम, बहुत अच्छा ठीक आइडियल टाइम है। अच्छा तो दानिश भाई, अब हम आते हैं 8 किलोवाट के इन्वर्टर पर। ये चेरी का इन्वर्टर है और ठीक ऐसा इन्वर्टर है कि इसके रेट के हिसाब से बाकी अगर जो इन्वर्टर है उसको कंपेयर करें इस रेट में जो इस चैरी के, कोई ऐसे लाइक दूसरे इन्वर्टर्स में नहीं आ रही प्राइस, और ये कि ठीक कस्टमर भी आ रहा था वो चैरी के इस 8 किलोवाट के बारे में पूछ रहा है। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख, क्या हाल है, खैरियत है? वालेकुम सलाम दानिश भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। शाहरुख, आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है मौजूदा सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर्स के हवाले से, क्या मार्केट क्रैश कर गई है या अभी भी रेट ऊपर की तरफ है? जी दानिश भाई, मार्केट की सूरत हाल ये है कि अभी काफ़ी हद तक डाउन हो गई है और अभी हो चुकी है इस वक्त जो अच्छा मार्केट चल रही है। और ये है कि मैं यही बोलूंगा कस्टमर्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आइडियल टाइम है, जिस हिसाब से भी मार्केट चल रही है बहुत अच्छा मौका ये लोग पैनल और इन्वर्टर परचेज करने का टाइम, बहुत अच्छा ठीक, आइडियल टाइम है। इसमें टेक्नीशियन वगैरह भी मेरे ख्याल से अवेलेबल बहुत है। अवेलेबल है, क्योंकि पहले होता था कि शॉर्ट होते थे, लेकिन इस टाइम ये कि बहुत लाइक अच्छा मौका है, तो टेक्नीशियन जो है वो भी अवेलेबल है और इनके जो इंजीनियर वगैरह काफी लाइक ये है कि अच्छा टाइम चल रहा है, काम भी बेहतर तरीके काम से भी हो रहा है। बेहतर तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो आज क्या दिखा रहे हैं आप हमारी ऑडियंस आज को? ये कि हम लोग चलते हैं छोटे पैनल्स की जानिब, स्टार्ट होते हैं, ठीक तो आपको दिखाते हैं छोटे पैनल्स पहले। जी दानिश भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटे पैनल से। ठीक, ये आप देख सकते हैं होंडा का, होंडा A1 होंडा का 200 वॉट, सेल इसकी जो जर्मनी, सेल जर्मनी की है मैन्युफैक्चर, और ठीक ये होंडा A1 डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक 200 वाट पर है, 200 वाट का है A1, ठीक ग्रेट क्वालिटी स्पेशल। और ये इसके आपको मैं दिखाता चलूं पीछे, ये आप देख सकते हैं इसकी बैक साइड पे। बैक हाँ साइड यार, पर ये चीज जबरदस्त। सारी इसकी मैन्युफैक्चर वगैरह सब, वोल्टेज वगैरह सारे कुछ दिए हुए। ठीक, तो इसमें हम कितने पंखे वगैरह चला सकते हैं? इसमें तकरीबन 2 से 3 AC/DC जो फैन है वो वगैरह चला सकते हैं, ठीक और छोटे बल्ब चला सकते हैं इसमें। एक छोटा लोड के लिए बहुत बेहतरीन पैनल है, तो ये कि आप इसमें आराम से इजीली चला सकते हैं। तो क्या इसके प्राइस कोट कर रहे हैं आप? इसकी प्राइस वैसे जो मार्केट चल रही है तकरीबन 9500 समथिंग ऐसी चल रही है, ठीक है, ठीक। तो ये आपको आपकी जो चैनल से आएगा उसको ये 9000 में मिल जाएगा, 200 वॉट का पैनल। 9000 नौ या थोड़ा और फर्दर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं आप? तो चलो 500 छोड़ देंगे, लाइक 8500 फाइनल हो जाएगा। चले, ये भी बेहतर है जी। अच्छा, उसके इसके साथ अलावा दूसरे ये पैनल देखते चले, एन टाइप 230 वॉट स्नो सोलर का, 230 वॉट टायर बन का ये,
ठीक, इसके बस बार आप गिनवा देंगे कितने इसके बस बार? देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 छोटे पैनल पे। छोटे पैनल पे क्या बात ये है। सुनोवा सोलर का है, छोटे पैनल है, एनटैप 230 वॉट का। अच्छा जी, तो इसमें हम कितने पंखे वगैरह चला सकते हैं? इसमें भी तकरीबन आप अंदाजन चला सकते हो 4 से 5 जो एसी डीसी फैंस है वो, और उसके बाद ये है कि छोटे बल्ब भी इजीली आप चला सकते हो। इसके क्या प्राइस कोट कर रहे हैं? इसकी प्राइस जो चल रही थी ये है 10,500 रुपए से चल रही थी। आपके चैनल से अगर कोई आता है तो उसको ये 10,000 में फाइनल हो जाएगा एक प्लेट, और अगर एक प्लेट और अगर ये दो प्लेट दो पेयर लेते हैं तो उसके 9,500 के हिसाब से आपको मिल जाएंगे, और अगर ये पेयर लेते हैं तो उसको 9,500 के हिसाब से मिल जाएंगे। ठीक ठीक ठीक, आप समझ में आ गए। 19,000 रुपए में दो पैनल ले जाए, दो पैनल ले जाए जी। ठीक, अच्छा सर हम चलते हैं, मूव ऑन होते हैं बड़े पैनल पे। सुनोवा का पैनल है और हम लोग सुनोवा के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। तो ये आपके सामने है सुनोवा का एंटायर बायोफिशियल, 585 वॉट में भी अवेलेबल है हमारे पास और 615 वॉट में भी अवेलेबल है सुनोवा के। तो ये बायोफिशियल है, डबल ग्लास है? बायोफिशियल डबल ग्लास है, और उसके ये है कि अगर हम इसकी पावर आउटपुट वारंटी की बात करें तो ये 30 ईयर इसकी पावर आउटपुट वारंटी है। इसमें इसकी ये कि टूट फूट की कोई वारंटी नहीं है, ठीक है, इसकी होती है 30 ईयर जो इसकी पावर आउटपुट वारंटी है सिर्फ, वो आपको ये कि हमारी तरफ से अवेलेबल हो जाएगी। अगर एफिशिएंसी वगैरह डाउन हो जाए डाउन तो हो फिर आप उसमें जी जी बिल्कुल क्लेम हो सकता है, क्लेम हो सकती है। ठीक जी, इसके प्राइस के हवाले से भी कोट करें। दानिश में इसकी जो प्राइस है लूज की प्राइस आपको मिल जाएगी 30 रुपीज पर वॉट के हिसाब से, और अगर आप लोग पैलेट लेते हैं तो अच्छा पैलेट का मैं बताते चलूं, पैलेट ये होता है कि इसमें 36 पीस होते हैं जो पूरे पैक होते हैं, 36 पीस आपको मिल जाएंगे। पैलेट की जो रेट है 29 रुपीज पर वॉट के हिसाब से, 29 रुपीज पर वॉट जी दानिश भाई, 29 रुपीज पर वॉट के हिसाब से इसका आपको पैलेट मिल जाएगा, और लूज आपको 30 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मिलेगा। वाह यार कमाल हो गया। अच्छा उस पैनल की भी सुनोवा के जो पैनल बिल्कुल जी उसके भी वही रेट है? वही रेट है, वो 615 में भी आपको यही चीज मिल जाएगी 30 रुपीज पर वॉट जो लूज के, और पैलेट अगर आप लेते हैं तो वो आपको 29 रुपए पर वॉट के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक, अच्छा आप जिनको की तरफ आ जाए ये जिनको का एंटायर बायोफिशियल 585 वॉट। ठीक, तो इसके क्या प्राइस वगैरह कोट करें? इसके प्राइस हम कोट करेंगे, ये आपको ऐसे मिल जाएगा 31 रुपए पर वॉट, 31 रुपए पर वॉट अगर आप लूज की बात करें। अगर इसको पैलेट में आप जाते हैं तो पैलेट से आपको तकरीबन 30 रुपए पर वॉट के हिसाब से मिल जाएगा, 30 रुपए पर वॉट के हिसाब से। उसमें वही 36 पीस होते हैं, वही जो पूरा पैक होते हैं जो, और दानिश भाई ये देखिए लॉन्जी का हमारे पास है, ये आपको 605 वॉट का मिल जाएगा हमारे पास अवेलेबल है लॉन्जी, एंड टाइप बेनिफिशियल डबल ग्लास है। इसके क्या प्राइस कोट कर रहे हैं? इसके प्राइस हम कोट करेंगे, ये आपको लूज में अगर आप लेते हैं तो ये 32 रुपए पर वॉट के आपको हिसाब से मिल जाएगा, और अगर इस पे आप पैलेट पे जाते हैं तो वो आपको 31 रुपए पर वॉट के हिसाब से आपको इसका पैलेट मिल जाएगा। गुड हो गया। अच्छा तो दानिश भाई मैं आपको लेकर चलता हूँ अब सोलर इन्वर्टर की जानिब। अच्छा मैं आपको बताता चलूं हमारे पास लो रेंज से लेकर मिड रेंज हाई रेंज तक के इन्वर्टर मौजूद हैं जो आपको लाइक मिल जाएंगे। ठीक, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी आएगा कस्टमर खाली हाथ नहीं जाएगा। ये है कि अगर मिड वाला भी आता है उसकी एक रेंज जो है मिड रेंज है तो वो वाले इन्वर्टर भी हमारे पास मौजूद है, लोएस्ट वाले हैं वो भी मौजूद है, और अगर हाई वाले आते हैं तो उनको भी लाइक इन्वर्टर हमारे पास मिल जाएंगे ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं किससे दिखाना शुरू। तो पहले हम लोग चलते हैं आप इनवर्ट्स की जानिब। इनवर्ट्स आपने लाइक बड़ा ही नाम सुना है पाकिस्तान का नाम। इसमें हमारे पास वेरोन 2 1.2 का किलोवाट इन्वर्टर अवेलेबल है, ठीक है मौजूद है। इसमें इसकी अगर आप मैं आपको पीवी दिखाता चलूं, इसकी 2000 पीवी है, 1.2 किलोवाट है, ठीक है। इसमें वाईफाई जो इसकी बिल्ट इन वाईफाई है, इसके अंदर केबल वगैरह इनसाइड वगैरह जो इसके एसेसरीज हैं वो है। ये आप अच्छे इसकी वर्क के बारे में, ये आप विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं और ये विद बैटरी भी यूज कर सकता है जी। और अगर इसकी प्राइस की मैं आपको बात करूं तो इसकी प्राइस जो है फुल एंड फाइनल 66,000 की हो जाएगी। ये फुल एंड फाइनल है? फुल एंड फाइनल है जी। और अगर इसी के साथ मैं आपको दिखाता चलूं दूसरा वेरोन 2, सेम वही इनवरेक्स 2.5 का है वेरोन 2 इनवरेक्स वालों का, और इसकी जो पीवी आपको दिखाता चलूं 3000 इसकी पीवी है 2.5 किलोवाट। इसमें भी सेम एज इट इज वाईफाई का बिल्ट इन बैटरी इनसाइड केबल जो इसकी अपनी एसेसरीज है, उसके बाद ये एंटी डस्ट किट है जो 1.2 भी है वो भी एंटी डस्ट किट है। अच्छा इसका भी ये फंक्शन के ये विदाउट बैटरी भी चल सकता है और विद बैटरी भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा शाहरुख ये बताएं कि 2.5 के प्राइस क्या कोट कर रहे हैं आप? दानिश भाई इसके प्राइस जो है वैसे 92,000 चल रहे हैं, ठीक है, और ये आपको फाइनल 90,000 का मिल जाएगा। 90,000 जी ठीक। उसके बाद इसके साथ चले तो ये आप 4 किलोवाट का देख सकते हैं वेरोन 2 4 किलोवाट। और इसकी पीवी की बात करें तो इसकी 5000 पीवी है, ठीक है, और सबसे ज्यादा हॉट और शॉर्ट भी है बहुत मार्केट कस्टमर डिमांड भी है इसकी बहुत
4 किलोवाट की विरोन 2 की, और इसकी वही बात करें सेम एक्सेसरीज है लाइक एंटी डस्ट केबल है, उसके बाद वर्क विद विदाउट बैटरी भी है, विद बैटरी भी है। तो इसके प्राइस के हवाले से भी कोट और इसके प्राइस की मैं अगर बात करूं तो ये वैसे जो आपको 180 समथिंग ऐसी चल रही है, और ये आपको फुल एंड फाइनल 178 का मिल जाएगा। अच्छा, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, दानिश भाई, इसमें 178 फुल एंड फाइनल है। ठीक, तो इसके स्टॉक आपके पास मौजूद है? इसका स्टॉक ये लिमिटेड स्टॉक है, मैं ये बताता चलूंगी, लिमिटेड स्टॉक है, और ये है कि इसकी ये फाइनल प्राइस है। अब जो पहले आएगा वही पहले पाएगा, ये आपने सुनी होगी। तो अब 6 किलोवाट की तरफ चलते हैं। अब 6 किलोवाट की तरफ चलते हैं दानिश भाई, ये आपको दिखा देंगे 6 किलोवाट का विरोन 2। ठीक, इसकी पीवी की बात करें तो ये 6500 की पीवी है, बाकी है इसके पास वही बिल्ट इन ग्रिड फीडिंग है, उसके बाद वाईफाई है, एंटी डस्ट किट, और उसके बाद ये वर्क विदाउट बैटरी एंड विद बैटरी। ठीक, ये आप दिखा सकते हैं इसकी अंदर की जो डिस्प्ले है किस तरह का है, व्हाइट कलर में इसका विरोन। तो इसके रक्षा और इसकी अगर मैं प्राइस कोट करूँ तो सर ये वैसे दानिश भाई 254 चल रहा है, तो ये आपको फुल एंड फाइनल जो आपकी तरफ से आते हैं तो उनको ये 252 का फुल एंड फाइनल मिल जाएगा। 252 ये फाइनल रेट आप कोट कर रहे हैं जी। अब दानिश भाई हम लोग चलते हैं इनवरिक्स के ही सीरीज है यूकॉन 2। यूकॉन 2 के यानी हमारे पास ये कि यूकॉन 2 में 3.5 भी अवेलेबल है और 5.6 भी अवेलेबल है। 5.6 भी अवेलेबल जी। ठीक, तो इसके क्या प्राइसेस आप कोट कर रहे हैं? अच्छा दानिश भाई, इसकी प्राइस अगर मैं कोट करूँ तो इसकी जो आपके फाइनल फुल एंड फाइनल 3.5 का यूकॉन 2 के मिल जाएगा आपको 150 का, और दानिश भाई 5.6 की अगर बात करते चलें तो ये आपको फुल एंड फाइनल मिल जाएगा 176 का। 176 फुल एंड फाइनल, फुल एंड फाइनल 176 का। इसमें कोई अगर आपको रिक्वेस्ट करता है कि यार कुछ पैसे वगैरह कम कर, ये रिक्वेस्ट अगर भी करते हैं, ये मैं आपको पहले ही मेंशन करता चल रहा हूँ, अगर आप रिक्वेस्ट भी करते हैं जो आप चैनल के थ्रू आते हैं तो ये 1000-2000 कम हो जाते हैं वैसे। ठीक है, तो ये 176 इसलिए फुल एंड फाइनल, वैसे आप मार्केट विजिट भी कर सकते हैं 178-176 इस तरह चल रही है, तो ये फुल एंड फाइनल आपको 176 का फाइनल मिल जाएगा। ठीक, अच्छा दानिश भाई, अब हम चलते हैं ऐसे इन्वर्टर की तरफ जो ये के प्राइस में भी लो है और ये के वो मिडिल से जो नीचे वाला तबका है वो उसको इजिली अफोर्ड कर सकता है अफोर्ड कर सकता है। तो वो ये है दानिश भाई, चेरी का चेरी का 2.0 ये हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो अवेलेबल है, 1.4 और 2.5 जी, ये दोनों अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है। ये कि ये मिडिल से जो लो तब का ये इजीली लाइक परचेज कर सकता है, और ये कि अपने जो घर का छोटा सा लोड है जिसमें ये के फैन और बल्ब वगैरह और जो छोटा उनका छोटा मोटा लोड है वो चला सकते हैं, तो उसके लिए ये इन्वर्टर बहुत बेहतरीन है उनके लिए जी। तो इसके क्या प्राइस वगैरह आप कोट, और इसकी अगर मैं प्राइस कोट करूँ, ये आपको जो 1.4 है ये आपको मिलेगा 35,000 का, 35,000, और जो 2.5 है वो आपको मिलेगा 42,000 का। ठीक है जी, इसकी 1 ईयर वारंटी है। ठीक है, इन दोनों की, ये 1.4 की भी और 2.5 की भी। ठीक, ये स्पेसिफिकेशन भी इनकी दानिश भाई देख ले सामने लगी हुई है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक, ये इनकी ये फुल एंड फाइनल प्राइस है दोनों की, और ये के दोनों आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ओपल सीरीज के 2.0। अच्छा, कोई इससे ऊपर जाना चाहता है? जी, इससे ऊपर जाना चाहते हैं तो ये हमारे पास स्पैरो के हैं और फिर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है। ठीक है, ये 1.5 किलोवाट और जो इसकी पीवी भी है देखें सामने मेंशन 2500 की वाट पीवी है। इसमें पैनल जो आप चला सकते हैं तकरीबन इसमें आप 3 पैनल चला सकते हैं, 3 पैनल छोटे वाले में, ये के तकरीबन 2 पैनल अफोर्ड लाइक सपोर्ट कर सकते हैं बड़े वाले जो हैं जी। गुड हो गया, इसके क्या प्राइस आपने कोट किया? इसके मैंने प्राइस कोट की है दानिश भाई 62,000 फुल एंड फाइनल, 62,000 जी। ठीक, अच्छा तो दानिश भाई अब हम आते हैं 8 किलोवाट के इन्वर्टर पे, ये चेरी का इन्वर्टर है और ऐसा इन्वर्टर है कि इसके रेट के हिसाब से बाकी अगर जो इन्वर्टर है उसको कंपेयर करें इस रेट में जो इस चेरी के कोई ऐसे लाइक दूसरे इन्वर्टर में नहीं आ रही प्राइस, और ये कि कस्टमर भी आ रहा था वो चेरी के इस 8 किलोवाट के बारे में पूछ रहा है। अच्छा जी, यानी कि मार्केट बना रही है, मार्केट बना रही है ये फॉक्स प्रो का ये इन्वर्टर, ये ऑफ ग्रिड हाइब्रिड, ऑन ग्रिड मैं बताता चलिए कराची में ऑन ग्रिड नहीं है, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड जो है वो कराची में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो इसमें पैनल वगैरह कितना सपोर्ट, और अगर इसकी पैनल की बात करें तो इसमें ये कि 14 पैनल सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, 14 पैनल आप इसमें लगा सकते हैं, और अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो है वो आपको फुल एंड फाइनल 2,70,000
270,000 रुपए में 8 किलोवाट 8 किलोवाट IP21। क्या बात है यार, जबरदस्त। अच्छा इसकी भी गारंटी वही है एक साल की? जी दानिश भाई, इसकी भी गारंटी एक साल की है और फॉक्स प्रो का है। ये इसके सर्विस सेंटर वगैरह यहाँ पे? सर्विस सेंटर यहीं पर ही है जीपी में, 6th फ्लोर पे इनका सर्विस सेंटर है। और ये कि बहुत बेहतरीन 8 किलोवाट का ये चैरी का। जी जी, इसकी तो अनबॉक्सिंग हमने की है जी लास्ट वाले में, आप लोगों ने इनकी की थी। जी बिल्कुल सेम वही चीज है। अच्छा दानिश भाई, चलते हैं सोलिस पावर में। सोलिस पावर का ये 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर IP65 में ही है। ठीक। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करते चलें तो ये आपको फुल एंड फाइनल 265 का मिल जाएगा। 265 का। ठीक। अच्छा शाहरुख, अब यार मेन पॉइंट पर आ जाओ, अब ये बताओ आज कौन कौन से इन्वर्टर खोल ले हो यार? आज हम लोग खोलेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। एक तो आज हम चेरी का स्पैरो खोलेंगे। ठीक। और उसके बाद हम ओपल का है 1.4 जी, आज हम दो इन्वर्टर खोल, तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरे आप लोग ठीक होंगे। आज हम एक ऐसे ब्रांड की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो बेसिकली बजट फ्रेंडली कहलाएगा, जो लोग एक नया इन्वर्टर और एक थोड़ा महंगा इन्वर्टर अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक ऐसी चीज आ चुकी है। चेरी ब्रांड है, इसकी ओपल सीरीज 2.0 कहलाती है। ठीक है, हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है और सिंगल वेव इन्वर्टर है। 1400 KVA बोलते हैं और 2500 VA दो मॉडल इसमें आते हैं। ठीक है, ये इन्वर्टर विद चार्जर, हाँ बेसिकली इसको आप कह लो छोटा इन्वर्टर है जो आपके लाइटें पंखों के लोड के लिए बेस्ट चीज है। ठीक है, इसके यहाँ पे लोड भी मैं आपको दिखा दूँ। जैसे ये वाले पे टिक हुआ है 2.5 KVA 1600 वाट, तो ये 2.5 किलोवाट वाला हमारा कहलाएगा। 2.5 किलोवाट होता है बट जो लोड हमारा कैपेसिटी है वो 1.5 किलोवाट की है। ठीक है, ये 1.4 जिसको 1.5 किलोवाट बोलते हैं उस पर 800 वाट तक की पावर सप्लाई की फिजिबिलिटी है। बाकी के इलेक्ट्रिक से शेयरिंग करके आप इस पे 1.4 तक कर सकते हो, इस पे के इलेक्ट्रिक से शेयरिंग लेके 2.5 तक कर सकते हो। ठीक है, बाकी स्पेसिफिकेशन की लिखी हुई है, मैं थोड़ा करीब से भी दिखा देता हूँ। ठीक है, देख ले 1.4 की है, ये 2.5 की है, सारा कुछ इस पे लिखा हुआ है। वोल्ट लिखे हुए, एम्पेयर लिखे हुए, पीडीसी लिखी हुई है, बैटरी कैपेसिटी जो ये 800 वाट वाला 12 वोल्ट है, ये वाला 24 वोल्ट है, इस पे दो लगेंगी, इस पे एक लगेगी। दानिश भाई ये जो स्पेसिफिकेशन है ये ऐसी स्पेसिफिकेशन है कि ये सबसे लोएस्ट तबके के जो लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो छोटे से छोटे घर के बेचारे लोग हैं, बिल्कुल बिजली के बिलों से तंग है, उनके लिए एक ऐसी बेस्ट चीज है। और सबसे ज्यादा बेस्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, बजट फ्रेंडली तो है और साथ साथ वन ईयर वारंटी भी है। वन ईयर वारंटी भी है, बताओ यार। ठीक है, सबसे पहले चलो अब शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, चेरी है, इंटरनेशनल ब्रांड है, बिल्कुल, और वन ईयर की वारंटी है। आप हमारे यहाँ से परचेस करेंगे, हमारे यहीं पे भी LRGB में ही इसका 6th फ्लोर पे सर्विस सेंटर भी बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल, ये देखें नाजरीन साथ आ गया। इसके साथ भी इसकी बैटरी की केबल है, मैं भी या इसके एक्स्ट्रा किस चीज, शायद मैं भी बैटरी केबल ही होगी, ये मुझे नहीं पता, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैंने भी पहली अनबॉक्सिंग की है। जी जी। ये इसका वारंटी कार्ड आ गया, अभी तो देखें इधर इन्होंने 5 इयर्स लिखा बट इसकी 1 ईयर होती है वारंटी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे सारी वारंटी टर्म्स वाम जो है सारा कुछ, सीरियल नंबर यहाँ पे हम आपको स्टैम्प करके देंगे, आप फिल करके देंगे, लोकेशन भी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ये सारी आ गई है। अब ये जो अलनजी में इधर इन लोगों ने 1108 लिखा है, ये आप 6th फ्लोर पे 6th फ्लोर पे शिफ्ट हो गए, 6th फ्लोर पर। ठीक है, ये इसका आ गया, यूजर मैनुअल आ गया, सारे कुछ इसके अंदर जिस तरह की जो जो डिटेल्स हैं आपको उसमें एक्सपायर्ड सारे एरर कोड आ गए, अल्लाह ना करे कोई एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है उसका रीजन भी इसमें सारे लिखे हैं। ठीक है, मैनुअल बुक है, मैनुअल बुक हो गई, तो काफी ज्यादा इशू होते हैं यहाँ पे, इसके कोने में स्पेसिफिकेशन भी आ गए, दो चीजें हो गई। ठीक है, एक ये केबल है, हमारी केबल है, अब ये मे भी बैटरी केबल ही होगी, इसको हम बाहर निकालते हैं। अच्छा इसमें और कुछ देख और लेते हैं, कुछ तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं है इसके अंदर कुछ भी। ठीक है, थैली आप जरा हटाएं, इन्वर्टर आ गया, ये देखें नाजरीन छोटा सा इन्वर्टर है लेकिन बहुत काम का इन्वर्टर है, लो बजट में अच्छी चीज है। ठीक है, सबसे पहले ये हमारी आउटपुट आ गई बिजली की। ठीक है, लाइन न्यूट्रल अर्थ, ये हमारी पीवी इनपुट आ गई प्लस माइनस की, ये हमारे बैटरी के टर्मिनल है। ठीक है, ये 2.24 वोल्ट वाला है तो इसपे दो बैटरीज लगेंगी हमारी, दो बैटरीज लगेंगी, और ये इसका फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पे, और ये एसी इनपुट है कि इलेक्ट्रिक इसके आप बोर्ड में लगा दो तो इससे उसको चार्ज भी करेगा और आपका घर का लोड भी जो मेंटेन करना होगा करेगा। ऑन ऑफ का बटन है, ये इसका पंखा आ गया। ठीक है, और ये इसकी स्पेसिफिकेशन सारी आ गई। इसमें हम पैनल वगैरह कितना सपोर्ट कर सकते हैं? दानिश भाई देखें, ये 1400 वोल्ट पे आता है ना तो मैक्सिमम हमारे बड़े 3 पैनल इस पे नहीं लग सकते, बड़े 2 पैनल लग जाएंगे, छोटे पैनल हैं तो वो आप कम वोल्ट के हैं तो 3 लगा सकते हो, वैसे 3 लगा भी दोगे तो चल जाएगा क्योंकि देखिये डीसी लॉसेज भी हैं, तो 3 पैनल तक इसकी सपोर्ट हम कह सकते हैं कि है,
बट वही बात है, मैनेज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। दो पैनल लगाए तो सुकून से चलता रहेगा, टेंशन फ्री नहीं हो, टेंशन नहीं होगी, टेंशन से फ्री रहेंगे आप, सुकून से चलता रहेगा। अच्छा जैसे कि आप बता रहे हैं ये इन्वर्टर है तो उसकी आउटपुट तो 220 है ना? आउटपुट इसकी 220 इन्वर्टर है ना, देखें ये इलेक्ट्रिक आउटपुट ये रहा जी जी, आप यहाँ से इसकी आउटपुट लेंगे, बैटरी देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सोलर चार्जर भी है, आपकी बैटरी चार्ज कर रहा है और आपका 220 में आउटपुट भी दे रहा है। आउटपुट में आपके पास लाइट पंखे छोटा लोड ही चलेगा। अगर टीवी है तो छोटा टीवी, एलईडी टीवी, आजकल स्मार्ट टीवी हो गया, ये सब छोटे लोड, मतलब 800-1000 वॉट के बीच का जो लोड है वो इजीली चला देगा, इससे ऊपर ना जाए तो बेस्ट है। तो इसके प्राइस वगैरह कोट कर, प्राइस दानी में देखें अभी 35,000 रुपए चल रहा है इसका, 35,000 सबसे सस्ता यही है आजकल। कोई अगर आप बड़े ब्रांड्स की तरफ जाएंगे तो उनका तकरीबन 60-65,000 से शुरू होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। ये इसके ऊपर जो है एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है जो इसकी हीट भी बाहर निकालता है, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा स्क्रीन के बारे में भी बता दीजिए। स्क्रीन ये देख लेंगे, स्क्रीन इसकी मैनुअल बटन वाली है, जो हमारे पुराने एमकेएस सीरीज या वेरॉन सीरीज जो पुराने वाली थी वो वाली है। इसमें टच नहीं है क्योंकि लोएस्ट बजट में सबसे हल्की चीज बनाने के लिए, मतलब कम बजट के ना ऐसी चीज ही मिलेगी। अच्छी चीज है, 1 ईयर वारंटी है और आप टेंशन फ्री लेके जा और अपना काम निकाल सकते हैं। बेसिकली मैं आपको ये बताऊँ ना, हमारे पास कुछ इस तरह के लोग भी आए हैं जो गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो उन लोगों ने इसकी भी हमसे कोटेशन ली हुई है। क्योंकि देखें ये एक छोटा है ना, तो सिंध के घरों में लगा देंगे वहाँ पे लोगों को, कि उनको एक लाइट है, पंखे, तीन चार उस तरह डोनेशन टाइप के लिए ये बेस्ट चीज है। बेस्ट चीज है, बिल्कुल यार, मदद करनी चाहिए लोगों की यार, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा फिर इसमें कोई और, इसका एक ये मॉडल है ओपल सीरीज, एक है ये स्पैरो, अभी हम स्पैरो भी खोल के देखते हैं। जी जी, स्पैरो भी जरा खोल, वो थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी में अच्छा है। अच्छा है जी, ठीक। अच्छा दानिश भाई, अगली सीरीज में हमारे पास स्पैरो है, ठीक है, चेरी गए। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज और नोटिस दे दूं कि हमारी शॉप पे जो कोई भी आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। हमारे पास हर वैरायटी अवेलेबल है, सोलिस पड़ा हुआ है हमारे पास, क्राउन में है, इनवर्क्स में है, वेरॉन में है, यूकॉन में है, सोलेक्स है, चेरी के इन्वर्टर है, क्राउन के छोटे इन्वर्टर, बड़े इन्वर्टर, बैटरी है, रोवर्ट ऑन ग्रिड है, सोलिस ऑन ग्रिड है, बैटरीज है, पैनल्स है, हर एक चीज अवेलेबल है। मतलब कम बजट से लेके मैक्स बजट तक की जो चीजें है वो हमारे पास अवेलेबल है, बट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं है, बाकी सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे। ठीक, जबरदस्त हो गया। अच्छा इसके बारे में बताएं, अब हम इसकी शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। थोड़ी सी मैं इस पे ब्रीफ दे देता हूँ कि चेरी का है ये, ठीक है, स्पैरो सीरीज। जिससे पहले हमने अनबॉक्स किया वो ओपल सीरीज था, ये ऑफ ग्रिड पे ज्यादा तरजीह देता है, बट हाइब्रिड और ऑन ग्रिड दोनों ऑप्शन वाला है। बेसिकली कराची में तो हम इसको ऑन ग्रिड फीचर नहीं कहेंगे क्योंकि सिंगल फेज इन्वर्टर है। अगर आप मुल्तान, लाहौर चला रहे हैं, वहाँ पे सिंगल फेज पे भी नेट मीटरिंग होती है, तो ये उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। कराची में आपको हाइब्रिड देगा या ऑफ ग्रिड देगा, सुबह से लेकर शाम तक चलाना है, उसके लिए बेस्ट हाइब्रिड हो गया, बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो, ठीक है। 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, पीवी मैक्सिमम आपकी 2.5 किलोवाट की है, ठीक है। वीडीसी 430 है, तो उस पे 430 के एग्जांपल आप इस पे 6-7 पैनल इजीली लगा सकते हैं। रेकमेंड 6 ही करूंगा कि 6 पैनल लगा लें, आराम से आपका 2.5 किलोवाट का लोड चलेगा। लोड में आपके लाइट पंखे, छोटा इन्वर्टर, टीवी, इन्वर्टर फ्रिज और इन्वर्टर अगर एसी एक टन का चल जाएगा यार, बेहतरीन। बाकी की फीचर भी दे दें, वाईफाई, जीपीआरएस अवेलेबल फॉर आईओएस एंड्रॉइड, मतलब उसकी कोई ऐप होगी वो डाउनलोड हो जाएगी। सोलर एनर्जी प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू लोड, इसका मतलब ऑफ ग्रिड, अगर आपके घर में बैटरी नहीं लगा रहे, आप बैटरी नहीं है, आप सोलर से डायरेक्ट इसको चला सकते हैं, आपके घर का लोड डायरेक्ट चलेगा। बट उसके में भी आपका एसी नहीं चलेगा, लाइट अपन के टीवी और छोटा फ्रिज चल जाएगा जी, ठीक है। ये हो गया, स्मार्ट बैटरी चार्जर डिजाइन है, ऑप्टिमाइज, मतलब ये एमपीपीटी भी इंस्टॉल है इसके अंदर, तो आपकी बैटरी इसको इजीली चार्ज भी कर देगा। प्योर साइज में एमपीपीटी है, ठीक है, वर्क विद एंड विदाउट बैटरी, यही चीज मेंशन कर दी, इन लोगों ने मेंशन भी कर दिया। 80 एम्पीयर का इसमें एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर भी बिल्ट इन है। इसकी गारंटी? जी, गारंटी 1 ईयर वारंटी है, 1 ईयर वारंटी है, ऑफिशियल विद पार्ट्स है, अलनजीबी में ही 6 स्टोर का सर्विस सेंटर है, तो वहां से आप क्लेम कर सकते हैं। तो फिर अनबॉक्सिंग करते हैं इसको खोलते हैं। दानिश भाई, बजट के अंदर ऐसी, मतलब चेरी ने अच्छी चीज निकाली है कि हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल, ठीक है, निकालना भी चाहिए। प्राइस के हवाले से बात करते तो दानिश भाई इसका तकरीबन 62,000 कुछ प्राइस है, वो अप डाउन होती रहती है, कभी जो होगा इंशाल्लाह ताला जो लेने आएगा जो होगा देख लेंगे। अब मैं इसी को अगर आपको कंपेयर करूं, 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर आप अदर ब्रांड में कंपेयर करें तो 90,000 रुपए का मिनिमम अभी चल रही है मार्केट, 90-92, तो उस बजट से भी देखा जाए तो सस्ता इन्वर्टर। सबसे पहले भाई इसकी ये इंटरनेट की केबल है, शायद इंटरनेट टू वीजीए है, मे बी वो इंटरनेट केबल ही होगी जो लैपटॉप से आपकी कनेक्ट हो जाएगी। ये इसका यूजर मैनुअल है, ठीक है, ये इसका वारंटी कार्ड आ गया, ठीक है, 1 ईयर की वारंटी ऑफिशियल, और ये भी जिस टाइम हम करके आपको कंप्लीट फिल विल करके देंगे, ठीक है, ठीक। अच्छा 5 ईयर लिखा होता है बट होती है ऑफिशियल 1 ईयर है, क्योंकि 5 ईयर ये यूएसए के नाम से आता है, तो वो बस लिखा होता है, ठीक। कम बजट में यही चीज होती है, ज़हन बना कर आए, एक साल वारंटी है ऑफिशियल, आप देखेंगे तो भी 1 साल ही है, गुड हो गया। 60-65,000 में 5 साल वारंटी मिलना शुरू हो गई तो क्या ही बात है, क्या बात है।
वारंटी आप एक्सपेंड करा सकते हैं, वो फिर ऐसा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे सर्विस सेंटर वालों से बात कर लें, क्या मुझे 2 साल 3 साल 4 साल बढ़ा दो वारंटी, उस हिसाब से पैसे ले लेंगे। वैसे यार बेल्ट क्वालिटी इसकी बहुत क्वालिटी तो माशाल्लाह, हमारी जो ओपल सीरीज हमने दिखाई वो बजट फ्रेंडली है, तो ये उससे ऊपर थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज इस पे नहीं हुआ हुआ। फॉर एग्जांपल चेरी ने आपको तीनों ऑप्शन दिए, सस्ता अच्छा और सबसे अच्छा फिर वो हमारा फॉक्स सीरीज है और एक वाला रिनो सीरीज है, वो बड़े कैटेगरीज को टक्कर मारने के लिए। ठीक है, ये आ गया हमारा पीवी 2500 वाला, मतलब जो हम इसको 1.5 जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, वो इसके एलसीडी है, एमकेएस मॉडल है, सबसे मशहूर जो आपको पता है एमकेएस वीएम सीरीज के वोल्ट्रॉनिक्स ब्रांड का मदरबोर्ड जो है वोल्ट्रॉनिक्स मोड का है, वोल्ट्रॉनिक्स मेड है, और ये इसकी स्पेसिफिकेशन सारी आ गई है चेरी की, इस पे ऑफिशियल स्टैंप लगी हुई है, आप जिस डेट से परचेस करेंगे उससे आपको 1 ईयर की वारंटी ऑफिशियल मिलेगी। ठीक मिल जाएगी। ये इसका बटन आ गया, ये इसके एग्जॉस्ट आ गए, यहाँ से इसकी हीट और सारा कुछ निकल हमारा आउटपुट है, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इधर RJ45 का इंटरनेट का कनेक्शन है, ये इसका हैंगिंग वॉल है अगर आप दीवार पे हैंग करना चाहेंगे। इस तरफ से भी दिखाता हूँ, ये आप देख लें, ये नट खुलेंगे फिर बाकी कनेक्शन आप इजीली कर सकते हो। इनपुट हो गया, ये इसका ब्रेकर हो गया, ये इसके फैन है दो लगे हुए एग्जॉस्ट के, ये बैटरी इनपुट आउटपुट है, मतलब वो प्लस माइनस हमारा ये पीवी इनपुट आ गई। ठीक है, इजीली है, बहुत इजी इंस्टॉलेशन है इसकी, नॉर्मल जो टेक्नीशियन है वो इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इस सीरीज को भी ओपल सीरीज को भी, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एलसीडी पे सारा डिस्प्ले आएगा, उधर से भी आप देख सकते हैं। हाँ, इस पे ये है कि कोई वाईफाई शाईफाई ये छशके वशके नहीं है, इजी सिंपल रेडी टू यूज, बस लगाओ और चलाओ जी, जान छुड़ाओ महंगी बिजलियों से। बिल्कुल ठीक है अहमद, काफी यार अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, काफी जबरदस्त तरीके से आपने हमारी ऑडियंस को समझा दिया। अब लास्ट में ये बताएं कि अगर कोई आपसे ये सब चीजें बाय करना चाहता है ऑनलाइन या फिजिकली आपकी शॉप पर आना चाहता है, तो एड्रेस, लोकेशन और अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर दे दें। जी देखिए नानिश भाई, ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे इन्वर्टर्स तो आपको इजीली बिल्ट हो जाएंगे, पैनल्स पे थोड़ी सी रिक्वेस्ट ही करेंगे कि आप अपने एरिया से ले लें, क्योंकि देखिए इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता पैनल में, 2-3 रुपए मैक्सिमम पर वॉट का ही डिफरेंस होगा। तो बिल्टी में क्या है, ये ग्लास है सारा टूट जाता है, हमारे साथ एक दो दफा हो चुका है, हमारे क्लाइंट्स को भी काफी ज्यादा इश्यूज इसमें फेस हुए थे, हम रेकमेंड तो यही करेंगे कि आप पैनल वहां से ले लें, इन्वर्टर ऑल ओवर पाकिस्तान आपको बिल्टी हो जाएगा, इन्वर्टर हो गया, लिथियम आयन बैटरी हो गई, ट्यूबलेस बैटरी हो गई, ये सब तो बिल्टी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑल ओवर पैलेट की सूरत में, हाँ अगर आप पैनल पूरा पैलेट लेते हैं वो लकड़ी में पैक होगा और 36 पीस का पूरा पैकेट होगा, वो सुजुकी में ही जाएगा, वो एक ऑफिशियल वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा ये हो गया सारा कुछ, इसके बाद हम आपको एड्रेस कंफर्म करते हैं, अल नजीबी टावर ग्राउंड फ्लोर G158 से लेकर G168 है, अल नजीबी बेसिकली सदर मोबाइल मार्केट कराची में है, इजीली शॉप है, आप सेकंड गली से आएंगे, TCF और लेपर्ड्स के बीच में सेकंड गली है, उससे आप एंड में आ जाएंगे, एंड में आपको फ्यूजन टेक का बोर्ड मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको पिन लोकेशन भी शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको गाइड कर दूँ 03112968948, कोशिश करें 12 से 9 के दरमियान कॉन्टैक्ट करें क्योंकि हमारा वर्किंग आवर है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप कोशिश करें कि वॉइस मैसेज ना छोड़ें, टेक्स्ट मैसेज कर दें या अपने पेपर पे मेंशन करके उसकी पिक्चर भेज दें, क्योंकि वॉइस मैसेज अक्सर हम सुन नहीं पाते, हम कहीं पे बिजी होते हैं, कहीं काम में बिजी होते हैं, वो चैट नीचे चली जाती है, अब वॉइस अक्सर बंदा नहीं सुन पाता, या अगर हमने सुन ली है हम उसका रिप्लाई थोड़ी देर में देने का सोच रहे हैं तो वो वॉइस हमारे दिमाग से निकल जाती है, टेक्स्ट होता है, मैसेज होता है, हम वो फॉरवर्ड करके अपनी टीम को भी भेज सकते हैं कि आप ये इसका रिप्लाई करके क्लाइंट को बता दो, रिक्वेस्ट ये है, बाकी कोई इशू नहीं, आप भेजें, जो होगा इंशाल्लाह ताला हमारी सेल्स की टीम आपके साथ मौजूद रहेगी, बाकी यही रिक्वेस्ट थी छोटी मोटी, बस कोशिश करें 12 से 9 के दरमियान। बहुत शुक्रिया।